हिमाचल में मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में आफत की बारिश हो रही है और जिन इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है वहां पर लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की खबरें सामने आ रही हैं। दिखाई दे रही ये तस्वीरें जिला कांगड़ा की हैं, जहां पर हैवी रेनफॉल हुआ है जिससे नदी नाले पूरे उफान पर नजर आ रहे हैं। दिन भर लगी बारिश के बाद कांगड़ा में निर्माणाधीन शिमला मटोर फोरलेन मार्ग पर पुराने पुलों पर पानी आ जाने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाड़ियों के टायर पानी में डूबने के बाद भी छोटे वाहन चालक रिस्क ले रहे हैं। वहीं भारी बारिश के चलते कांगड़ा के रानीताल में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते जाम लग गया। वहीं प्रशासन भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और मौके पर जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी बारिश जमकर कहर बरपाती नजर आ रही है। जी हां, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा इलाके में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक अन्य घायल हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि बादल फटने की घटना डीएच पोरा के बनवाड़ इलाके में हुई है और उसके तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। मृतक की पहचान बंगवाड़ वाला निवासी मुख्तार अहमद चौहान के रूप में हुई है और वहीं घायल व्यक्ति की पहचान बंगवाड़ वाला निवासी रफाकत अहमद के रूप में हुई है। बिजली गिरने से एक बच्चे की जो 15 साल का है उसकी बदकिस्मती से मौत हुई और एक बच्चा जख्मी हुआ और इसमें कुछ मवेशी, दो मवेशी भी इसमें उनकी वो भी मारे गए। तो उसी वक्त तुरंत डीसी साहब की डायरेक्शन पे हमारी जो एसडीआरपी टीम और हमारे जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो मौके पर पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत है कि जो भी उनको जो रिलीफ है इंशाल्लाह तुरंत उनको रिलीफ दिया जाएगा और जो भी उनको मदद की जरूरत होगी तो डीसी साहब ने इसमें पूरी हिदायत दी है कि पूरी मदद उनको की जाएगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 से 6 दिनों तक इसी तरीके से मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लोगों से यह अपील की गई है कि नदी नालों के आसपास ना जाएं। सूर्य समाचार के लिए धर्मशाला से पंकज नरियाल और श्रीनगर से मीर आफताब अहमद की रिपोर्ट।